इंदौर पहुंचे प्रदेश के डीजीपी वीके सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर पुलिस की तारीफ की और कहा कि इंदौर में 3000 वाहनों की नीलामी हुई है, जो कि इंदौर पुलिस ने अच्छा काम किया है। इंदौर के डीजीपी वीके सिंह ने पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि इंदौर की समीक्षा में पाया गया है कि अपराध में बढ़ोतरी हुई है, इसका विश्लेषण करना जरूरी है। वहीं कुछ अपराधों में कमी भी आई है। बहुत सारी नीलामी हुई है। बस आप बहुत सारे वाहनों की 3000 से ऊपर वाहनों की नीलामी हुई है। बहुत अच्छा काम इंदौर पुलिस ने किया है। और इंदौर की समीक्षा में मैंने पाया कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें अपराध में बढ़ोतरी हुई है, तो उसके कारण का विश्लेषण करना आवश्यक है। कुछ में काफी कमी आई है। वहीं आर्म्स और ड्रग्स प्रकरणों में पकड़े गए आरोपियों में वृद्धि हुई है। वहीं इंदौर हमेशा से सेंसिटिव जगह रही है। इंदौर से लगा हुआ बेल्ट है जहां से ड्रग सप्लाई होती है, इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। वहीं आर्म्स मामले में भी कहा गया कि इंदौर के आसपास का इलाका पूरे देश में जाना जाता है, इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि आर्म्स और ड्रग्स वाले प्रकरणों में, पकड़े जाने वाले प्रकरणों में वृद्धि हुई है। और चूंकि एक सेंसिटिव जगह पे लोकेशन है इंदौर का और पास में ही बेल्ट है जहां से ड्रग्स की सप्लाई हो सकती है, तो उस बारे में यहां पे सावधान रहने की आवश्यकता है। और आर्म्स के लिए भी इसके इंदौर के आसपास का जो इलाका है वो पूरे देश में जाना जाता है, वहां भी हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं डीजीपी वीके सिंह ने सीएए लेकर कहा कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं जल्द ही इस पर रोक लगेगी। ये उम्मीद करते हैं कि सीए एनटीसीए जो है जल्दी इसमें कुछ हो जाएगा और ये प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं सभी जगह इस पे रोक लगेगी। वहीं आईएफए अवार्ड को लेकर डीजीपी ने कहा कि गर्व की बात है, इतना बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। आईएफए अवार्ड इंदौर और भोपाल में होने जा रहा है, जो कि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और इस पर पुलिस खरी उतरेगी। और इंदौर पुलिस को लेकर कहा कि इंदौर पुलिस का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और कई जगह इसे अवार्ड भी मिले हैं, इसमें मीडिया को भी गर्व होना चाहिए। और आईएफए यहाँ पे है, गर्व की बात है कि इतना बड़ा आयोजन मिला है और इंदौर पुलिस के लिए जो चुनौती है वो उसमें खरे उतरेंगे। इंदौर पुलिस का अभी तक का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, कई जगह से अवार्ड मिले हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी गर्व की बात होना चाहिए।